नमस्कार दोस्तों, सीएमसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मसी कन्या विद्यालय, जहां मध्य प्रदेश आरक्षक के एग्जाम हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको देंगे पूर्ण सटीक एनालिसिस। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू। आपका नाम? दिव्या ठाकुर। और मार्क्स कितने आए मैम? 78 मार्क्स है मैम के। तो चलिए जानते हैं मैम, मैथ्स और रीजनिंग का कैसे क्वेश्चन? बहुत अच्छा था, एक मतलब देखते से ही बन रहा था मैथ्स और रीजनिंग। तो देखते से ही मैथ्स रीजनिंग बन रहा था, करने की जरूरत नहीं थी, मतलब देख के पता चल जाता कि हाँ ये आंसर है। तो मतलब जैसे कि अगर मैं मैथ में बात करूँ, तो अगर आपका CISI या फिर CISI के 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे, मतलब जो किस्त वाले होते हैं उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, किस्त वाले में कैलकुलेशन। हाँ, बाकी कुछ तो नॉर्मल था। परसेंटेज था, सिंप्लीफिकेशन था, सिंपली थोड़ा बहुत था। मतलब एक आध क्वेश्चन का पैटर्न बता पाओगे? पैटर्न सिंपल ही था, इतना कोई वो नहीं था, मॉडरेट नहीं था। हाँ, बस थोड़ा सा है ना, जीके में आ रहा हिस्ट्री बहुत आ रही है, हिस्ट्री बहुत आ रही है। और क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जैसे गुलाम वंश से कौन सा गलत है, चार ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, ऐसे चार पांच क्वेश्चन ऐसे जिसमें चार ऑप्शन दे रहे हैं। चार ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन याद है कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन? जैसे गुलाम वंश का एक आपने बताया, इसी तरीके से जैसे सल्तनत काल, मुगल काल या फिर कहीं से वो एक क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, MPG की कितनी आ रही है? नहीं आ रही MPG। MPG की नहीं आई। और करंट अफेयर एक दो आए थे, पर वो भी बहुत पुराने, अभी के नहीं आते। करंट आए थे 20, 21, 22, 20 के, 20 का करंट अफेयर था। तो कोई क्वेश्चन ध्यान है? क्वेश्चन तो साइंस भी ठीक आ रही थी, और लोक नृत्य और ये आ रहे थे, और साइंस में एक दो क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी में प्लांट से हो, जूलॉजी। हाँ, तो प्लांट से आया था एक क्वेश्चन, प्लांट से आया था। कौन सा? और एक वो आया था जो ये पक्षियों का रहता ना, और उससे कौन से उसका है, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था बायो से। हाँ ठीक, थैंक यू। आपका नाम? पूजा किरार। मार्क्स कितने आ रहे हैं मैम? 69 मार्क्स है। अच्छा मैम, तो GS में कैसे क्या क्वेश्चन? GS में तो कुछ ज्यादा ऐसा MP से नहीं आया, MP से नहीं आया। अच्छा, अगर मैं इंडिया की GS की बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी थे एक दो क्वेश्चन थे। हाँ, कोई क्वेश्चन ध्यान है? क्वेश्चन ध्यान नहीं है। अच्छा, पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह? नहीं, पॉलिटी में आर्टिकल। साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन थे? साइंस में वो एनिमल किंगडम से थे, और याद नहीं है। अच्छा, मैथ रीजनिंग से? मैथ्स रीजनिंग में तो वो कल का जो था ना, उसी से आया, वो ऐसा CI मोर का बोलते हैं जे, उसमें सीरीज से आया, अल्फाबेटिकल ABCD उसमें रीजनिंग में। अच्छा, CI से 2-3 साल के थे या फिर? 2-3 साल के थे दोनों। 2-3 साल के थे। अच्छा, और इसके अलावा अगर बात करें नंबर सीरीज या फिर कुछ और? नंबर सीरीज नहीं आई, अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो यहाँ पर रीजनिंग में वही था और मिरर वगैरह कुछ? हाँ, मिरर से थे 2-3 क्वेश्चन। और इसके अलावा क्लॉक से नहीं आया, कैलेंडर से भी कुछ नहीं है, एज से आए थे उसमें, मैथ्स में एज से आए। थैंक यू। आपका नाम मैम? शिवानी शर्मा। और मार्क्स मैम? 54। ओके, तो मैम अगर आप बताएंगे कि साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन है? साइंस से आए थे। कहाँ से? मतलब ऐसे आए थे कि उसका मतलब इंग्लिश में नाम और हिंदी में उसका है, जैसे कुछ वो आया था। और उसमें जो MPGK का बता पेपर है कि मध्य प्रदेश के बारे में, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, GK का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग के सही आया सिलेबस में। मैथ में बड़े बड़े सॉल्व थे, जो चक्रवर्ती ब्याज वगैरह होता है उससे सारे क्वेश्चन थे, ज्यादातर वही थे। तो सॉल्व करने में कम से कम 5-7 मिनट लगते उस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे मैथ रीजनिंग के? रीजनिंग के GK के तो 25-26 थे, उसी में वो साइंस था दोनों, और मैथ के रीजनिंग के थे ज्यादा। हाँ, रीजनिंग के ज्यादा थे, मैथ के नहीं। रीजनिंग के होंगे मैथ रीजनिंग दोनों को मिला के 60। हाँ, दोनों को मिला के तो होंगे। और क्वेश्चन ध्यान है?
क्वेश्चन मतलब रीजनिंग के मुझे ज्यादा दिखे थे, रीजनिंग के थे, और मैथ में लास्ट में जो 10 क्वेश्चन थे वो 2 मिनट में मैंने फिर जल्दी जल्दी में किए थे, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाई थी ना, क्योंकि मैं पहले वो चक्रवर्ती ब्याज वगैरह उसमें मेरा टाइम ज्यादा चला गया, तो फिर 8-10 क्वेश्चन मेरे बच्चे जिसमें मुझे मेन मेन आ रहे थे, हाँ नहीं मेन मेन आ रहे थे, उसमें से जैसे 1-2 क्वेश्चन थे वो मैंने तुरंत कर लिए, और जो सॉल्व करना था वो रह गए मेरे, मतलब फिर उसमें मैंने तुक्का मार दिया। हाँ, और मेरा फर्स्ट एग्जाम था मतलब आफ्टर 6 ईयर 2016 में दिया था, उसके बाद से मेरा ये फर्स्ट एग्जाम था जिसमें मैंने 54 क्वेश्चन एक तो ये आया था कि खाने के ऊपर कोई चीज का मतलब फफूंद लगता है उसका वो नाम था, वैसा आया था, एक डॉग को बोलते हैं उसका पहले नाम था उसमें साइंस में, फिर उसको डॉग बोलते, फिर उसके बाद नाम थे और उस नीचे दिए हुए थे कि किसके बारे में वो था, और उसमें जो आया था रीजनिंग में सबसे ज्यादा वो चीज आई थी, एक तो दर्पण प्रतिबिंब जैसे अपन बनाते किसी का उल्टा, तो वो करेक्ट थे सारे मेरे, और ज्यादा रीजनिंग में क्या आया था, दर्पण वाले ज्यादा आए थे, और वो जो करते ना ABCD वाले वो आए थे, और 1-2 क्वेश्चन वो वाले आए थे जो दाए से वाए वो वाला, रीजनिंग मेरा परफेक्ट था, मेरे नंबर रीजनिंग में ही मिले हैं जो मुझे मिले हैं, साइंस में कम मिले हैं मुझे, और मैथ्स में मेरे नंबर 10-15 मैथ्स में मिल गए होंगे लास्ट का मेरे। थैंक यू। हाँ मैम, आपका नाम? लक्ष्मी बिल्ले। ओके मैम, मार्क्स कैसे क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं, 67। अच्छा, और हॉल में हाईएस्ट कितनी है लगभग? होगी 80 तक। 80 तक होंगे। अच्छा, जीएस में कैसे क्या क्वेश्चन है? जीएस में 2 ही है, 2-3 आए थे। कैसे? वो नेते के समय। ओके, साइंस में? साइंस में 2-3 आए थे। 2-3 आए थे। हाँ। चलिए मैथ्स जानेंगे सर। थैंक यू। आपके मार्क्स मेरे 66 है। ओके, और नाम क्या है आपका? नयन। नयन हूँ मैं। नयन। ओके, तो मैम जीएस में क्वेश्चंस थोड़े से आपके ध्यान होंगे। एग्जैक्ट पैटर्न मतलब पैटर्न में बता सकते हो, एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो अब नहीं याद है। जैसे हिस्ट्री में जैसे कि गुलाम वंश से, सल्तनत काल से, मुगल काल से, या फिर मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और इवन इसके अलावा कुछ पर्सन के नाम थे कि वो पर्सन किस मतलब कला से जुड़े, किस आर्ट से जुड़े हुए हैं, वो हमें डिफाइन करना था वहाँ पर, तो इस तरह के क्वेश्चंस। करंट अफेयर से लगभग कितने होंगे? करंट अफेयर से रिलेटेड जो था कि नाबार्ड का था, कि नाबार्ड के लिए कौन सा कथन गलत है। okay. तो ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा आरबीआई के लिए, आरबीआई क्या रूल जो है जो बैंक पे, एक गैर कानूनी बैंक पे नहीं लगता है आरबीआई का कौन सा रूल, तो वो क्वेश्चन अवेलेबल थे। अच्छा, और साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन, अगर मैं साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं? हाँ, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे फिजिक्स में कोई फॉर्मूला, केमिस्ट्री में फॉर्मूला पूछा हो, या फिजिक्स में कोई इक्वेशन आई हो, या फिर किसी फॉर्मूला से रिलेटेड सम आए हो, या कुछ इस नहीं, फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस तो नहीं थे। हाँ, लेकिन साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके जो मल्टीपल जो चॉइसेस थी वो मुझे याद है कि वो रासायनिक परिवर्तन था, अपरिवर्तन रासायनिक था, कि परिवर्तन रासायनिक था, तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से क्वेश्चन से, गुणसूत्र से, कोशिका से, इन सब से क्वेश्चन, बीमारियों से, विटामिन से, बीमारी से तो रिलेटेड नहीं था कोई भी ऐसा क्वेश्चन, से ब्लड से, हार्ट से। हाँ, एक चीज थी कि अगर डॉग को काटने से रेबीज हो जाता है, तो वो हमें मतलब चॉइस मिलाना था उसको, अगर डॉग के काटने से रेबीज हो जाता है तो फिर एक और अन्य काटे का तो क्या होगा, तो वैसे कुछ मिलान वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा मैम, अगर अपन मैथ्स के बारे में बात करते हैं, मैथ्स में सबसे पहले जैसे अर्थमेटिक की बात करें, तो अर्थमेटिक में कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मैं आपको अभी डिफाइन नहीं कर सकूंगी, क्योंकि वो हम तुरंत पढ़ते हैं और तुरंत आंसर करने की कोशिश करते हैं, कि टाइम स्लॉट बहुत कम रहता है। अच्छा, थोड़ा पैटर्न बता सकते हैं कि मतलब किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहा था? हाँ, आयु के क्वेश्चंस आए थे। आयु के कितने क्वेश्चन देखने को मिले आयु के आपको? आयु के एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चंस थे। 8-9, 8-9 क्वेश्चन आयु से केवल? श्योर हो मैम? पक्का? ध्यान है थोड़ा सा किस टाइप के क्वेश्चन थे? मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा सा याद है मुझे, सबसे फर्स्ट ही था वो, कि राकेश की उम्र अमित से 5 साल पहले इतनी थी, जी जी, तो 3 वर्षों के बाद कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। और उसके अलावा और कोई क्वेश्चन आयु से? आयु से तो इतने ही पूछे थे आयु के अलावा, और हाँ, एस सी मतलब
सिंपल इंटरेस्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, मतलब अर्थमेटिक से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब ये मतलब है आपका। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से मिक्स क्वेश्चन थे या अलग अलग? दोनों से मिक्स क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन थे। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा अंदाजा? हाँ, मतलब जो हिंदी में रहता कि कुछ वैल्यू दे रखी थी कि उस इतने वर्षों में उसका इतना मूल मूल है, मतलब टोटल इसका अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो इतने वर्षों के बाद उसका इतना अमाउंट बढ़ गया है, बढ़ गया है, तो उसका मूलधन कितना होगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे नंबर सिस्टम से? हाँ, नंबर सिस्टम से था, मिसिंग मिसिंग डिजिट फाइंड करनी थी। और इसके अलावा सर्कल में था कि जो वैल्यू बढ़ रही है, जैसे कि 7 3 21 फिर 7 9 63, तो फिर इसके बाद कौन सा आएगा, कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क करके। क्वेश्चन मार्क था। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से? हाँ, प्रॉफिट लॉस से भी, सॉरी, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस थे जी। और परसेंटेज निकालने का भी था, पर वो प्रॉफिट में ही था कि अगर इतने परसेंट उसको हानि हुई है, तो मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, कितने प्रतिशत से उसको हानि हुई है। अब बोटन स्टेम से, टाइम एंड डिस्टेंस से और कोई क्वेश्चन? टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, लेकिन जो मेरे पेपर में आया था, मतलब जो मुझे पार्ट आया था, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस सिर्फ सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन थे। 2 या 3 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब किस टाइप का क्वेश्चन सर, ट्रेन से था या मतलब अलग? नहीं, एक व्यक्ति है, दूरी वो इतने किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस तय कर रहा है, तो उसकी हमें वो चाल बतानी थी, तो ऐसा कुछ करते, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल थे, लेकिन उसमें मॉडिफाइड डिजिट दे रखी थी कि वो 30 किलोमीटर चल रहा है, देन फिर 40 किलोमीटर स्पीड कर लेता है, देन फिर 15 किलोमीटर पर आ जाता है, तो फिर इस हिसाब से उसको बताना था। अच्छा अच्छा, अभी मैडम अपन एडवांस की बात करें तो एडवांस में कैसे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले? जैसे मेंसुरेशन में हमने कल देखने को कल मिले हुए थे, काफी क्वेश्चन मिले थे, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। आज कितना क्वेश्चन देखने को मिला मेंसुरेशन में, ज्यामिति में? ज्यामिति के तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आया था, कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं आज नहीं आया कोई। मेंसुरेशन में थोड़ा सा भी ध्यान हुआ आपको? मेंसुरेशन से रिलेटेड तो ट्रायंगल से, ट्रायंगल से नहीं, हाँ, लेकिन ये था कि स्क्वायर का एक एरिया का क्वेश्चन, हाँ, स्क्वायर का क्वेश्चन देखने को मिला। किस टाइप का था, एरिया निकालने को बोला था या एरिया दिया हुआ था उसमें? एक परिमाप दिया हुआ था, परिमाप दिया हुआ था, उससे उसका इस क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल मान निकालना, क्षेत्रफल निकालना। चलिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन देखने को मिला मैडम मैथ में? इसके अलावा मैथ्स में तो और ऐसा कोई अलग से बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। सब मतलब जो भी उसका मॉड्यूल होता है ना, जो डेटा होता है, उसके अंदर ही सब क्वेश्चंस। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा आज का कंप्लीट एनालिसिस, अगर हम यहाँ पर बात मैथ्स की करें तो मैथ में आपको नंबर सीरीज पढ़कर जाना है, सीआई के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वो पढ़कर जाना है। इसके अलावा बात करें तो हमारा जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो रीजनिंग में पढ़ना है, और मिरर इमेज, ये टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अगर बात यहाँ पर मैं जीके जीएस की करूँ तो करंट अफेयर्स में बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा बच्चे जो बता पाए वो हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवाइज कर लें तो वो बहुत बेहतर है। अगर यहाँ पर साइंस की करें तो आप प्लांट्स वाला टॉपिक जो होता है, क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, ये आप ज्यादा पढ़ें, बाकी बीमारियों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट एनालिसिस, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।